1983 वाली ट्रॉफी वाली तस्वीर देख पा रही हूँ, और उसमें एक खास जगह उनकी, तो वो जो पारी है ना उसके बारे में मैं थोड़ा सा, क्योंकि तमाम दर्शक इस वक्त बहुत धक्का है, दुख में है, वो जो 89 रन वाली जो पारी थी वेस्टइंडीज के खिलाफ, जो शानदार तरीके से क्रीज पर उन्होंने खेली 1983 में, मैं उसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, बहुत ही डिटर्मिंड क्रिकेटर थे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और जितनी कंडीशंस टफ होती थी, ये एक ऐसा खिलाड़ी था जिसके ऊपर आप बैंक कर सकते थे कि ये जाके अपनी विकेट इतनी आसानी से नहीं देंगे। और जिस मैच की आप बात कर रही हैं, वो शायद पहला मैच था, हालांकि मैं उस टीम में नहीं था, लेकिन मैं उससे पहले इंडिया खेल चुका था और मैं बड़े इंटरेस्ट से वर्ल्ड कप देख 1983 का। और उसमें ऐसा लगने लग गया था एक टाइम पर कि वेस्ट इंडीज की टीम ज्यादा रन हमें बनाने नहीं देगी और मैच जीत जाएगी, लेकिन उन्होंने जाके जिस तरह की क्रिकेट इनिंग खेली उसको तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता, और वो सेमीफाइनल की इनिंग भी नहीं भूल सकते जो उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध खेली थी और जीत दिलाई। और इसके अलावा भी आप देखिए कि उस टाइम के वक्त के बाद एक ऐसा वक्त उनकी जिंदगी में ऐसा आया था कि थोड़ा ढलान की तरफ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये यही एक खिलाड़ी की पहचान होती है कि वो उठे, संभले और फिर आगे बढ़े। मनिंदर जी, देखिए, कैरेक्टर बनता है जब आप क्रिकेट खेलते हैं, इतने प्रेशर से निकलते हैं तो आपका एक कैरेक्टर एक तरह से बनता है, और जब आप ढलान पे होते हैं तो उसको ले पाना इतना आसान नहीं है। मैं आपको ये बड़े 100% बता सकता हूँ ये बात, क्योंकि जब आप चरम पे रहते हैं, जब आपको एडुलेशन मिलती है, वो प्यार मिलता है, वो उसकी इतने हम आदी हो जाते हैं कि जब हम फिसलना शुरू करते हैं तो नेचुरली जो नए हीरोज आएंगे उनको ज्यादा प्यार मिलेगा, तो कई बार उसको हजम कर पाना इतना आसान नहीं होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी इंसान के लिए जिसने टॉप देखा हो, जो टॉप पर रहा हो। लेकिन फिर वही बात है कि वो जो आपके क्रिकेट के एक्सपीरियंसेस हैं, अप एंड डाउन होते हैं, तो उसको उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल हम क्रिकेटर्स कर लेते हैं, और यश बाजी ने भी किया था कि ये तो आना ही था, ये तो वक्त आना ही था कि कभी ना कभी तो क्रिकेट छोड़नी पड़ती, तो उसके बाद क्या करना है, फिर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन शुरू हो जाता है और फिर अपने जो क्रिकेटिंग एक्सपीरियंसेस हैं आप उनको लाते हैं कि ये ढलान आइए, लेकिन इसके बाद फिर ऊपर भी जाने का वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा। क्योंकि मुझे याद है हमने अंपायरिंग का एग्जाम भी बीसीसीआई का दोनों ने एक साथ क्लियर किया था, लेकिन फिर कॉमेंट्री की तरफ हमारा रुझान ज्यादा हो गया और हम उस तरफ मुड़ गए। अदरवाइज जब तक अंपायरिंग की उन्होंने बीसीसीआई के लिए, अंपायरिंग में भी वो बिल्कुल टॉप पर थे, बहुत बढ़िया उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल था, लेकिन फिर वही है, मैं समझ ही नहीं आ रही कि क्या हुआ है ये। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, यकीन कर पाना मुश्किल है।